एक ऐसा तालाब जिसमें एक इच्छाधारी नागिन कई सालों से छुपी है। इस तालाब के आसपास कई सांपों का है डेरा। कहते हैं ये सभी सांप उस नागिन के इशारों पर उसका हर हुक्म मानते हैं। झारखंड के पुनासी गांव के पास के घने जंगल पर ये तालाब स्थित है। कहते हैं कि गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से इस इच्छाधारी नागिन को देखा है। उन लोगों की माने तो वो नागिन बेहद ही सुंदर है, मानो स्वर्ग की अप्सरा। परंतु हर अमावस्या की रात उस जंगल से लड़की के रोने की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि वो आवाज उस तालाब वाली नागिन की ही है जो उस रात पे रोती है। परंतु आज तक ये पता नहीं लगा कि आखिर वो नागिन रोती क्यों है। हाँ, गांव में ये अफवाह जरूर है कि इसी दिन उस नागिन का नाग मरा था। लोगों का मानना है कि वो नागिन उस तालाब में कई सालों से है, लेकिन आज तक किसी भी राहगीर को उस नागिन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पुनासी गांव का एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति भी है जिसने उस इच्छाधारी नागिन को न सिर्फ देखा है बल्कि उससे बात भी करी। और जो उसने उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप भी सुन दंग रह जाओगे। उससे पहले बस एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय नागदेव जरूर लिखे। कहा जाता है कि महेश नाम का यह वृद्ध व्यक्ति उस इच्छाधारी नागिन से एक बार मिला था। जब महेश से बात करी गई तो वे बताते हैं कि जब मैं 17 साल का था तो उस समय मेरी माँ मुझे पालने के लिए लोगों के घर जाकर बर्तन धोया करती, उनके घर का काम किया करती, जिस कारण मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चे मेरी माँ की वजह से मुझे जलील किया करते। एक दिन गुस्से में मैं अपनी माँ को छोड़ जंगल की ओर भागा, परंतु जैसे जैसे रात होने लगी मुझे उस जंगल में डर लगने लगा। वो रात पूर्णमासी की थी और चांद से इतनी रोशनी हो रही थी कि सब कुछ साफ दिख रहा था। उसी रोशनी में मेरी नज़र एक अनोखे दृश्य पर गई। मैंने कुछ दूरी पर ही देखा कि एक चांद की रोशनी पर कुछ सांप मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं। मेरे कुछ समझ नहीं आया और मैं डर के वहां से भागा भागा एक कुएं के पास जा पहुंचा। मैं इतना डरा हुआ था कि उस कुएं के पास पहुंच मैं रोने लगा। तभी मुझे पायल के बजने की आवाज़ आती, मानो कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है। वो मुझे देख बोली, इतने घने जंगल में तुम इतनी रात क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं अपनी माँ से लड़कर यहाँ आया, उसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के ताने खाने पड़ते, लेकिन अब मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। इस पर वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा सुनो, हम दोनों रात काटने के लिए एक कहानी सुनते हैं। मैं तुम्हें ये कहानी सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। तुम्हारी तरह ही एक गांव में परवीन नाम का एक लड़का था। वो बताता है कि मेरी माँ की सिर्फ एक ही आँख थी और इसीलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल आई और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगले दिन स्कूल में सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि तेरी माँ की एक आँख है ही नहीं, अंधा माँ का बेटा। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैं उनसे कहता, माँ तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर सफल आदमी बनूंगा ताकि मुझे अपनी एक आँख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की, माँ को छोड़कर बड़े शहर में आया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं एक सफल व्यक्ति बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
सामने मेरी माँ खड़ी थी। आज भी अपनी एक आंख के साथ मुझे लगा कि मेरी पूरी की पूरी दुनिया जैसे फिर से बिखर गई हो। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और माँ ने जवाब दिया, माफ़ करना, लगता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ। और वो वहाँ से इतना कहकर चली गई। मैं ये सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन स्कूल रीयूनियन की चिट्ठी मेरे घर आती है और मैं अपने पुराने शहर पहुंच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने पुराने घर चला गया। वहां ज़मीन पर माँ मृत पड़ी थी। मेरे आँख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। उनके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। वो मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी, पर क्या यह आशा करना कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ गलत है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ़ करना कि मेरी एक आँख की वजह से तुम्हें पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं ये देख नहीं सकती थी कि तुम एक आँख के साथ बड़े हो, इसीलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी थी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आँख की मदद से पूरी दुनिया के नए आयाम देख पाएगा। और ऐसा ही हुआ। आज तुम सफल हो बेटा, मेरी दुनिया तो पूरी तुमसे ही है। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई और मैं उसके लिए पहली बार रोया जिसने अपनी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी थी, मेरी माँ। उस स्त्री से ये कहानी सुन महेश मानो कुछ देर के लिए सुन्न सा रह गया। अब उसे अपनी माँ की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था और उसे अपनी माँ के पास जल्दी जाना था ताकि वो अपनी माँ को गले लगा सके। सुबह भी हो चली थी। उसने उस स्त्री से कहा, अभी मुझे जाना है, और दौड़ के घर की तरफ भागा। परंतु अभी वो कुछ दूरी पर गया ही होगा कि उसे याद आया कि उसने उस स्त्री को धन्यवाद तो दिया ही नहीं जिसने उसको सही रास्ता दिखाया। तो जैसे ही वह उसी जगह गया जहाँ वो स्त्री थी, तो उसने देखा कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, एक इच्छाधारी नागिन थी जो उस कुएं के अंदर नाग के रूप में परिवर्तित होकर गायब हो गई। उस दिन महेश वापस उल्टा घर तो लौट आया, परंतु उसके बाद से उसने कभी भी अपनी माँ पे क्रोध नहीं किया।